हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब करियर इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की क्लास पे हम पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स जैसे जेरंड, पार्टिसिपल एंड वर्ब। ठीक है, हमें पढ़ना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ये क्या काम करती है इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, हो सकता है आप इन वर्ड्स को पहले सुन चुके हो, जेरंड, पार्टिसिपल। ठीक है, देखिए वर्ब की जो बेस फॉर्म है, जैसे वर्ब की बेस फॉर्म, जैसे मैं कहूँ रन, ईट, स्लीप, ये सब वर्ब की बेस फॉर्म है, उसमें अगर आईएनजी लग जाए तो वो इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या काम कर सकती है। हमने बचपन से सीख रखा है कि अगर वर्ब में आईएनजी लगा हो तो कोई एक्शन डिनोट कर रहा है वो। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आई एम स्लीपिंग राइट नाउ, या आई वॉज ईटिंग अ मैंगो एट समवंस हाउस। ठीक है, आईएनजी कहने का मतलब क्या होता है कि आप सोच सकते हो, इमेजिन करते होगे आईएनजी से कि कोई एक्शन डिनोट कर रहा है। ठीक है, और जनरली सर हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर जहाँ भी आईएनजी आए समझना है वो वर्ब होता है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। अगर आईएनजी लगा हुआ हो कोई भी वर्ब में तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार वर्ब हो। ठीक है, उसके भी कुछ कंडीशंस है, तो उसी कंडीशंस को आज एक एक करके हम देखेंगे कि अगर आईएनजी लगा हुआ हो वर्ब का बेस फॉर्म में तो वो क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर वर्ब में आईएनजी लगा हुआ हो, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ वी वन में वर्ब की बेस फॉर्म में, तो वो ये तीन काम कर सकती हैं। या तो वो एक नाउन बनेगा, या एक एडजेक्टिव, या तो एक वर्ब। तो देखो अगर वो वर्ब बनेगा, ठीक है, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था आई वॉज ईटिंग या आई वॉज टीचिंग समवन। देखो आईएनजी के पहले हेल्पिंग वर्ब अगर आ जाए, आईएनजी फॉर्म के पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो समझना वो वर्ब बनेगा। ठीक है, अगला है नाउन। नाउन अगर जब बनेगा, देखो अगर आईएनजी फॉर्म वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी अगर वर्ब नाउन बनने का काम कर दे, तब उसका नाम हो जाएगा आपका जेरंड। ठीक है, अगर आईएनजी फॉर्म नाउन बनने का काम कर दे तो वो कहलाएगा जेरंड। और हमें पता है, मैंने पहले की वीडियोस में बता रखा है कि इंग्लिश ग्रामर में नाउन क्या काम करता है। नाउन काम करता है सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का, या प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। ठीक है, एडजेक्टिव वो मैंने बता रखा है, दो दो वीडियोस डाली मैंने एडजेक्टिव की, कि एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करेगा। ठीक है, यानी कि अगर वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने लगे, तब वो जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा और इसका नाम हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, देखो ये जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये बहुत सारे टीचर्स अलग अलग नाम इन्हें इन्होंने दिया है। जैसे बहुत सारे टीचर्स इन्हें कहते हैं आपको वर्ब की चौथी फॉर्म वर्ब वी फोर, या बहुत सारे टीचर्स कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोनों करेक्ट है। ठीक है, आप इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहो या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहो, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, तो आइए कुछ सेंटेंसेस के थ्रू समझ लेते हैं कि कहाँ पे आईएनजी जो है वो नाउन बनेगा या वर्ब बनेगा या एडजेक्टिव बनेगा। ठीक है, इस सेंटेंस को देखो, राम सब्जेक्ट है, वॉचिंग क्या है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ गया, ये वॉचिंग क्या है। एक एक करके ट्राई कर लेते हैं तीनों जगह इसको डालने का, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। मान लो अगर ये वॉचिंग नाउन होता तो हमें पता है नाउन क्या काम करता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा या प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या यहाँ पे सब्जेक्ट की ये बन सकता है वॉचिंग, क्या यहाँ पे सब्जेक्ट वॉचिंग बनेगा, नहीं बन सकता है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आ चुका है। सब्जेक्ट क्या है, राम। ठीक है, क्या ये एक एडजेक्टिव बनेगा,
एडजेक्टिव भी नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अगर ये एडजेक्टिव बनता तो इसके बाद कोई नाउन आता जिसको ये क्वालिफाई करता, ये यहाँ पे एडजेक्टिव भी नहीं बन सकता है. लास्ट हमारा बचा वो वर्ब. वर्ब बन सकता है. क्यों बन सकता है? क्योंकि इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब आ रहा है इज, तो ये हमारा बनेगा वर्ब. ठीक है, मेन वर्ब है यहाँ पे क्योंकि इज एक हेल्पिंग वर्ब है. ये जो मूवी है इस वॉचिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है. इतनी बात क्लियर है. सेकेंड सेंटेंस को देख लेते हैं. स्मोकिंग काउजेस कैंसर. ठीक है, यहाँ पे देखो फिर से आईएनजी फॉर्म आ गया. स्मोक में आईएनजी लगा हुआ है. इसको क्या मानोगे स्मोकिंग को? ठीक है, ऐसे वर्ब एक सॉरी ये काउजेस क्या है, ये भी एक वर्ब है. अब काउजेस व्हाट, क्या काउज करता है? कैंसर. ये हमारा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है. पर ये जो स्मोकिंग है इसे क्या बनाओगे? क्या इसे हम वर्ब बना सकते हैं? देखो एक एक करके समझो. अगर ये वर्ब बनता तो इसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब आ रहा होता. क्या यहाँ पे इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है? इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये स्मोकिंग जो ये वर्ब तो बनेगा नहीं. ठीक है, अगला वो है एडजेक्टिव. क्या ये किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है? ठीक है, क्या किसी नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है? नहीं कर रहा है. इससे बात तो एक वर्ब आ रहा है. स्मोकिंग एडजेक्टिव भी नहीं बनेगा. लास्ट ऑप्शन हमारा बचा जेरंड. देखो ये यहाँ पे जेरंड बनेगा. क्यों बनेगा? देखो यहाँ पे अगर मान लो इसे हम वर्ब मान लेते, दो दो वर्ब आ जाता, सब्जेक्ट तो आ नहीं रहा. ठीक है, सब्जेक्ट जब आ नहीं रहा तो यहाँ पे ये दो दो वर्ब का ज़रूरत क्या है? ठीक है, सब्जेक्ट तो आ नहीं रहा यहाँ पे. हमें चाहिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट, क्योंकि कोई भी सेंटेंस में वर्ब के पहले सब्जेक्ट आना मस्ट है. अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो वर्ब किस काम का? ठीक है, तो यहाँ पे स्मोकिंग जो है ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, ये है जेरंड. ठीक है, थर्ड सेंटेंस को देख लो. सलमान शॉट द रनिंग डियर. सलमान शॉट द रनिंग डियर. देखो सलमान यहाँ पे सब्जेक्ट है, शॉट वर्ब है. सलमान शॉट व्हाट, मैंने बताया था वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई आपका ऑब्जेक्ट बनेगा. ये जो डियर है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, पर ये जो रनिंग है ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है? रनिंग, क्या ये वर्ब हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये बनेगा नहीं हमारा वर्ब. नाउन नहीं बन सकता. क्यों नहीं बन सकता? नाउन अगर होता या तो सब्जेक्ट बनता, ऑब्जेक्ट बनता, या प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता. सब्जेक्ट आ चुका है, ऑब्जेक्ट आ चुका है डियर, ये तो ये रनिंग क्या क्या बन रहा है? ये एक एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है. ठीक है, ये जो है रनिंग ये डियर वर्ड को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है कि कैसे डियर को मारा सलमान ने, तो वैसे डियर को जो दौड़ रहा था, रनिंग डियर. ये जो वर्ड है रनिंग, इस डियर वर्ड को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है. ठीक है, लास्ट सेंटेंस को देख लेते हैं. दे स्टार्टेड शाउटिंग इन द क्लास. दे क्या है? सब्जेक्ट है हमारा स्टार्टेड. स्टार्ट स्टार्टेड ये क्या है? वर्ब है. देखो यहाँ पे ये शाउटिंग क्या है? अच्छा, शाउटिंग से पहले थोड़ा सा आगे देख लेते हैं. इन प्रीपोजिशन है, क्लास इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये शाउटिंग क्या है यहाँ पे? वर्ब मान ले क्या इसे? अभी मैंने बताया वर्ब नहीं मान सकते. क्यों नहीं मान सकते? इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब आता, हेल्पिंग वर्ब तो आ नहीं रहा, तो ये शाउटिंग है क्या? एडजेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है. तो ये शाउटिंग बचा क्या? ये है हमारा जेरंड. ये है ये स्टार्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट. कैसे? मैंने आपको सिखाया था बेसिक्स की क्लास में कि अगर वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट बनता है. दे स्टार्टेड व्हाट? दे स्टार्टेड शाउटिंग. शाउटिंग ऑब्जेक्ट बन रहा है. ऑब्जेक्ट बनता कौन है? या तो नाउन या तो प्रोनाउन. ये यहाँ पे नाउन है, ये जेरंड है, इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा. ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे कैसे आईएनजी फॉर्म अलग अलग टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच बन सकती है. जैसे यहाँ पे आईएनजी कहीं कहीं पे आपका वर्ब बन गया, कहीं जेरंड बन रहा है, कहीं एडजेक्टिव बन रहा है. ठीक है, तो एक बार इस सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लो. उसके बाद जो है मैं कुछ कुछ सेंटेंसेस लेके आ रहा हूँ, लिखूँगा बोर्ड पे. उन सेंटेंसेस में आप आइडेंटिफाई करना कि वो जो आईएनजी फॉर्म है
ठीक है, वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, एक बार सारे चीजों को नोट डाउन कर लो आप। तो चलिए देख लेते हैं इन सेंटेंसेस को। यहां पे तीन सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपको इसमें पहचानना है जहां भी आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है उसको आपको बताना है कि वो नाउन है, वर्ब है कि एडजेक्टिव है। ठीक है, देखो ग्लासेस क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है। ये टेबल क्या है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे लाइन है, पहले देखो यहाँ पे दो वर्ड है, वर्ब और लाइन। यहाँ पे अगर मैं वर्ब को हेल्पिंग वर्ब मान लूँ और लाइन को मेन वर्ब मान लूँ तो क्या होगा, पहले ये बताओ ये है क्या, लाइन ये वर्ब बनेगा या एडजेक्टिव बनेगा कि नाउन बनेगा, आप बताओ। देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये जो वर्ब है ये हमारा बनेगा मेन वर्ब, ये लाइन जो है ये वर्ब नहीं है। ठीक है, ये लाइन वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है वर्ब, देखो लाइन इसका अगर हिंदी करो आप तो मतलब क्या बनेगा, मेरे ग्लासेस मेरे चश्मे जो है वो पड़े हुए थे टेबल पे। क्या टेबल पे पड़े होने से कोई एक्शन हो रहा है क्या, टेबल पे पड़े हुए चश्मे उससे कोई एक्शन हो रहा है क्या? अगर एक्शन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये हमारा वर्ब नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर आईएनजी फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब आए और अगर कोई एक्शन होगा तब समझना कि ये वर्ब है, यहाँ वर्ब नहीं बनेगा। ये है हमारा क्या, ये है हमारा एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, सब्जेक्ट को क्वालिफाई कॉम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है, ये लाइंग वर्ब नहीं है। मैं फिर से कह दे रहा हूँ ये लाइंग वर्ब क्यों नहीं है, क्योंकि इससे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, सेकेंड्स, और हाँ ये माई क्या, यहाँ देख लो ये छूट गया, माई क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, मेरे चश्मे। सेकेंड सेंटेंस को देख लो, रोहन इज सिटिंग ऑन अ चेयर। रोहन क्या है, सब्जेक्ट है, ऑन प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। देखो ये जितने भी वर्ड्स बोलता हूँ, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इसका जितना भी फंडामेंटल है, बेसिक्स के वीडियोस है वो मैंने अपलोड कर दिए है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो सारे फंडामेंटल वीडियोस देख लो एक बार। ठीक है, तभी आपको थोड़ा मोड़ा जो भी है वो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इस क्या है, देखो यहाँ पे फिर से वही कहानी, सिटिंग क्या, इसको वर्ब मान लूँ क्या? देखो सिटिंग को वर्ब यहाँ भी नहीं मानेंगे हम, क्यों नहीं मानेंगे? देखो बैठने में अगर मैं कहूँ कि क्या, हाँ रोहन इज सिटिंग ऑन अ चेयर, रोहन उस चेयर पे बैठा हुआ है, क्या बैठने में कोई एक्शन हो रहा है क्या? बैठने में से कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है, तो ये भी यहाँ पे ये फिर से वही होगा, इस जो ये मेन वर्ब बनेगा, सिटिंग जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये भी वर्ब नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सिटिंग जो है ये कोई एक्शन को डिनोट नहीं कर रहा है। अगर कोई एक्शन होता ना उससे पहले हेल्पिंग वर्ब होता, जैसे मैं कर देता रोहन इज डांसिंग इन द क्लास, रोहन इज डांसिंग इन द क्लास, तब वहाँ पे वो जो डांसिंग है ना वो आपका क्या बनता, वो आपका बन जाता सॉरी वो बनता वर्ब। लेकिन यहाँ पे सिटिंग से कोई एक्शन नहीं हो रहा है और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है इज, पर समझ इसे मत मान लेना कि ये वर्ब है। क्यों नहीं है, क्योंकि इससे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस को देख लेते हैं, मोहित्स परफॉर्मेंस इन द मैच वॉज आउटस्टैंडिंग। वो परफॉर्मेंस यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये मोहित जो है ये पोजिशन बना रहा है परफॉर्मेंस पे। ठीक है, मोहित का परफॉर्मेंस है, मोहित की परफॉर्मेंस, ये पोजिशन बनाने का काम कर रहा है, ये नाउन, पर ये एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस सब्जेक्ट हो गया, इन क्या है प्रेपोजिशन, मैच क्या है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। देखो वॉज क्या है, मेन वर्ब। अब फिर से यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, आईएनजी तो लगा हुआ है, पर क्या कोई एक्शन हो रहा है क्या इससे? यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये कोई एक्शन नहीं हो रहा है एक, तो यहाँ पे ये भी जो है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल।
देखो यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ. फर्स्ट सेंटेंस जो था, माई ग्लासेस वेर लाइंग ऑन द टेबल, यहाँ पे लाइंग जो है बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ये एक वर्ब है, पर ये वर्ब नहीं है. क्यों नहीं है? देखो यहाँ पे एक स्टेट बताया जा रहा है, ठीक है. मेरे चश्मों का एक स्टेट बता रहे हैं कि मेरे चश्मे पड़े हुए थे वहाँ पे टेबल के ऊपर, ठीक है. तो यहाँ एक स्टेट बताने का काम हो रहा है. यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है. कोई अगर एक्शन होता ना तब ये वर्ब बन जाता, पर यहाँ कोई एक्शन हो नहीं रहा है, ठीक है. तो इसलिए ये जो है सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को पूरा करने का काम कर रहा है. इसलिए यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा, ठीक है. तो ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है. अब जो है हम अगला जो टॉपिक होगा आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. अगला जो टॉपिक होगा उसमें मैं इन्फिनिटिव्स को डिस्कस करूँगा. ये भी जो जितने भी सारे टर्म्स थे, सारे बेसिक टर्म्स थे, इन सब का आपको आइडिया होना चाहिए ताकि आप जितने भी और आते रहेंगे आगे उनका एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है. तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए.